जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब आप नित्य पूजा से जुड़े रहते हैं, मंत्र जप से जुड़े रहते हैं, आराधनाओं से जुड़े रहते हैं, साधनाओं से जुड़े रहते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें अनुभव प्राप्त होना बंद हो गए हैं। कई कमेंट्स को पढ़ के ऐसा पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कुछ लोग तो दो दो घंटे भी पूजा में व्यतीत करते हैं, लेकिन उनको अनुभव मात्र में कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि उनसे बात की तो ये भी पता चलता है कि उन्हें पहले अनुभव प्राप्त होते थे, उन्हें आभास होता था अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट देव का, या अपने कुल देवी देवताओं का, या अपने पितरों का, उन्हें आभास होता था, किसी न किसी रूप में वो उनसे संपर्क में रहते थे, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण का मामला हो, या आप ये कह सकते हैं कि स्वप्न के माध्यम से वो जुड़े हों, या आप ये कह सकते हैं कि आभास होता हो उनको उनका, तो किसी न किसी रूप में वो जुड़े ही रहते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं कि हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद मिलना हमें बंद हो जाता है, हमें उनका आभास होना बंद हो जाता है। जो पूजा पाठ में हम अनुभव पहले किया करते थे वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ में जो संकेत मिला करते थे वो संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यही होता है कि हमें अपनी पूजा पाठ या मंत्र जप या कोई भी साधना हम करते हैं तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, शेयर करने से भी अनुभव होना बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि आपकी शक्ति कहीं ना कहीं से बंद जाती है या बांध दी जाती है। देखिए, शक्ति को कोई बांध नहीं सकता है, शक्ति को कोई भी नहीं बांध सकता है, बंधन होता है एक तरह से आपका, आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है जिससे कोई भी दैवी शक्ति आप में प्रवेश ना कर सके। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो दैवी शक्तियां आपके शरीर से जोड़ने लगती हैं, लेकिन जब आपके शरीर का बंधन कर दिया जाता है तो आपके शरीर में बंधन होने के कारण वो शक्तियां आपकी जीवात्मा से नहीं जुड़ पाती हैं, और जब शक्तियां आपकी जीवात्मा से नहीं जुड़ पाएंगी तो आपको आभास होना बंद हो जाएगा, आपको अनुभव होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि आपके जो कार्य बना करते थे कार्य बनना बंद हो जाएंगे। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वप्न के माध्यम से अपने भविष्य को देख लिया करते थे, अच्छी बुरी घटनाएं देख लिया करते थे, वो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं से अर्थ लगाइएगा कि किसी न किसी ने किसी न किसी रूप से आपकी शक्तियों का या आपका बंधन कर दिया है जिससे वो शक्तियाँ आप में प्रवेश ही ना कर पाए। बहुत सारे लोग घर का बंधन कर देते हैं जिससे कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। बंधन वो किसी रूप में भी कर सकते हैं। बंधन का अर्थ हो जाता है अशुद्ध कर देना, आपको अशुद्ध कर दिया या आपके घर को अशुद्ध कर दिया तो वो शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी होता क्या है, ऐसा हो क्यों जाता है, समस्या ये होती है कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं, आपको मालूम चला कि कोई भक्त हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, जो इसे बोलते हैं ना पूछा देखना, तो कुछ भी पूछो बता देते हैं। तो ऐसे लोगों को जब हम घर में बुलाते हैं या हम उनसे मिलने जाते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दृष्टि अवश्य होती है, चाहे वो सात्विक शक्ति की दृष्टि हो, चाहे वो तामसिक शक्ति की दृष्टि हो। उस दृष्टि के जरिए वो ये देख लेते हैं कि आपके साथ में कौन से देवी देवताओं का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, आपके साथ में कौन से देवी देवता चलते हैं। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ में देवी देवता चलते भी हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि उनको आभास हो इस बात का, ज़रूरी नहीं होता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि उनके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, कौन से देवता चल रहे हैं। बस उनके अनायास ही काम बनते रहते हैं, अनायास ही उनके जीवन में सब कुछ उन्हें मिलता रहता है, और वो इस बात के भरोसे बैठे रहते हैं कि उनका भाग्य बहुत अच्छा है या उनका लक बहुत अच्छा है, जबकि उन्हें उनके देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो जब हम भक्त के पास जाते हैं पूछा देखने के लिए तो भक्तों को पता चल जाता है, तो क्या होता है कि हमारी जो इच्छा होती मरती नहीं। हम एक भक्त के पास जाते हैं, उसने कुछ बता दिया, फिर किसी और ने बता दिया तो उसके पास चले गए, फिर उसके पास चले गए, हमको ये लगता है कि हम और जान लें और जान लें। ये जानने की जो जिज्ञासा रहती है कहीं ना कहीं
यही कारण होता है जिसके कारण से आपकी शक्तियाँ बंध जाती हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो भी इस तरह का क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, भगत तरह का व्यक्ति, उसके पास में कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। अच्छी शक्तियाँ भी उनके पास हो सकती हैं, बुरी शक्तियाँ भी हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि एक भगत थे, उनके बारे में हमने सुना था। तो वो क्या करते थे, घर में जाया करते थे और बता देते थे आपके घर में ऐसा है वैसा है, इसकी पूजा नहीं हुई, उसकी पूजा नहीं हुई है, और ये देखो ये लोग जड़ी बूटी रख लो, देखो वो जो आपके यहाँ गलत कर रहा है वो उभर के आएगा, ऐसा है वैसा है। तो घर में किसी ना किसी को उसी घर में बहुत तेज़ी से कोई भूत जैसा आ जाता था, या कोई मतलब सवारी ऐसी आ जाती थी, गलत सवारी कि मैं मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह से सवारी आ जाती थी। तो क्या होता था, वो करते क्या थे, उनके पास में कोई गलत शक्ति सिद्ध थी, वो शक्ति को वहाँ छोड़ देते थे किसी न किसी तरीके से, जड़ी बूटी के जरिए, किसी के जरिए, फिर बाद में उसे जाके कंट्रोल करते थे। जब उनकी ही शक्ति है तो उनसे तो कंट्रोल हो ही जाएगी, बाद में वो सारी चीज़ें ठीक कर देते थे, कहते थे ये देखिए ये आपके यहाँ ऐसा था वैसा था, ये पूजा आपको करानी पड़ेगी, वो पूजा आपको करानी पड़ेगी, और इस तरह से वो पूजा वूजा करा के चीज़ों को ठीक कर देते थे। अब होता क्या है कि जब ऐसे लोगों को पता चल जाता है कि आपके पास में कोई शक्ति है, तो वो उस शक्ति को अपने पास में लेना चाहते हैं, या उस शक्ति कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे वो शक्ति आपके पास में ना आए। जाहिर सी बात है, जब वो शक्ति नहीं आएगी तो आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे, आपके कार्य नहीं बनेंगे, जो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी चल रही थी बुरी होना शुरू हो जाएंगी, कोई भी व्यक्ति गलत करना चाहेगा आपके साथ गलत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपके देवी देवता ही आपका साथ नहीं देंगे, जब आपके पितृ देवता ही आपके साथ नहीं देंगे, जब आपके कुल देवी देवता ही आपका साथ नहीं देंगे, तो आपके साथ में परेशानियाँ तो होंगी ही होंगी। बहुत सारे महिलाएं भी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती, सब कुछ करती हैं, और उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है, उनके जीवन में कोई कार्य बनता ही नहीं है। वो यही कहते हैं कि हम इतना सब कुछ करते हैं, दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं, सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं, उसके साथ बजरंग बाण हनुमान अष्टक भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्रोत का भी कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग कनक धारा का पाठ करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत चीज़ें करते हैं, उनको सुन लोगे तो आप सोचोगे कितना समय देते होंगे पूजा में, और लाभ कुछ होता नहीं है। तो उसका कारण यही होता है कि आपको अशुद्ध कर दिया गया होता है। तो क्या होता है कि हमें ज़्यादा भगतों के चक्कर में फंसने से बचना चाहिए। देखिए, सही व्यक्ति आपको मिल जाएगा या आप समझ नहीं पाएंगे, और ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो लूटने खाने में रहते हैं, वो इन चीज़ों में रहते हैं कि कैसे हम इनसे पैसा निकाल लें या कैसे हम इनसे कमा लें, इस तरह से लोग ज़्यादा रहते हैं। देखिए, सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी आपकी पहुंच से दूर होते हैं। वो ऐसे नहीं आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी कि आप चले जाओ उनसे पूछ लो जाके, वो उस तरह से नहीं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। देखिए, जिनके पास में रियल में सही शक्ति होती ना, उनको इन सामाजिक और सांसारिक चीज़ों से इतनी ज़्यादा लालसा नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने जीवन में जब किसी भक्त या किसी इस तरह की शक्ति के पास में जाके कुछ पूछने का प्रयास करते हैं तो हमारी शक्ति बंध जाती है। कभी कुछ लोग दुर्भावना बस भी आपका बंधन करवा देते हैं, जिससे आपके जीवन जो अच्छा चल रहा होता है वो अच्छा ना चले, आपके घर में परेशानियाँ बनी रहें, आपके घर में दुख दर्द बने रहें। इसलिए भी कुछ लोग दुर्भावना के स्वरूप भी, और दुर्भावना के स्वरूप में क्या होता है, कुछ लोग आपसे जलते होंगे, आपके परिवार के ही लोग हो सकते हैं, या कोई आपके पड़ोस का हो सकता है, कुछ ना कुछ गलत करा देता है, और वो किसी न किसी ऐसे भक्त के कॉन्टैक्ट में रहते हैं जो इस तरह के गलत काम भी करते हैं, और वो करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, अब इसमें जैसे मान लीजिए आपके साथ में इस तरह से घटनाएं होगी, तो क्या होगा कि आपको स्वप्न में ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर सवारी आ रही है लेकिन आ नहीं पा रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि वो सवारी आपके शरीर में किसी बंधन की वजह से नहीं आ पा रही है। अभी स्वप्न में आपको ऐसा दिखेगा कि आप कहीं घिरे हो, आपको बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से आप बंद हो, मतलब इस तरह से आपको मतलब दिखने लगेंगे स्वप्न के माध्यम से, और जो देवी देवता आपको अनुभव देते तो अनुभव होना बंद हो जाएंगे। पहले आपके रोंगटे खड़ा हो जाया करते थे, जैसे आप भगवान का नाम लेते थे आपके रोंगटे खड़े होना बंद हो जाएंगे, आपको उबासी आती तो उबासी आना बंद हो जाएगी, आपको आंसू आते थे आंसू आना बंद हो जाएंगे। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो
पहले सही होती थी और अब सही नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से कुछ बंधन भी होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवों को नहीं बताना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपको कोई देवता दिखाई पड़ते हैं, आपने किसी अपने अड़ोस पड़ोस वालों को बताया कि हमको तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं रोज़ स्वप्न में। अब वो दुर्भावना बस उन्होंने किसी भक्त को बता दिया कि हमारे बगल में तो लेडीजें हैं, उनको भोलेनाथ दिखते हैं, हमें दिखते नहीं। अब क्या हुआ कि आपके आपका बंधन कर दिया गया, आपको अपवित्र कर दिया गया और आपको भोलेनाथ के दर्शन होना बंद हो गए। तो इसलिए हमें, इसलिए भी हमें अपने जो संकेत होते हैं या हमारे जो पूजा पाठ से संबंधित अनुभव होते हैं वो जल्दी से शेयर नहीं करने चाहिए। तो इस तरह से हमारे जीवन में हमारी जो शक्तियाँ होती हैं, हमारे जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, वो आपके पास में नहीं आ पाती हैं जब आपका घर अशुद्ध हो जाता है या आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप लगातार मंत्र जप करते रहते हैं, जब लगातार आप अपने तपोबल को बढ़ा लेते हैं, जब लगातार पूजा पाठ में आप लगे रहते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल और आपका जो पूजा पाठ होता है इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग जो प्रयास करते हैं आपको अशुद्ध करने का, आप अशुद्ध हो नहीं पाते, ठीक है। और आप अशुद्ध हो नहीं पाएंगे तो उनकी शक्तियाँ कार्य करेंगी नहीं, वो आपकी शक्तियों को नहीं बांध पाएंगे, यानी आपके शरीर को अशुद्ध नहीं कर पाएंगे, आपके घर को अशुद्ध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको लगातार मंत्र जप करते रहना पड़ता है, जब भी मौका मिल जाए तो हवन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ों से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में इस तरह से घटनाएँ नहीं होती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।